मोदी सरकार में होगी बड़ी बगावत, बीजेपी के नेता ही मोदी को हटाएंगे। उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा दावा, होने वाला है तख्ता पलट। पुतिन हो या मोदी, हर किसी को बगावत का सामना करना पड़ता है। मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी बगावत होने वाली है और बगावत करने वाले लोग मोदी के करीबी ही होंगे। केंद्र में मोदी सरकार का तख्ता पलट होने वाला है, ये दावे किए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से। ठाकरे ने हाल ही में रूस में हुई बगावत का जिक्र करते हुए लिखा, पुतिन हो या मोदी, बगावत का सामना सभी को करना पड़ता है। एक साल पहले शिवसेना में बगावत हुई थी और उस बगावत से उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी और सरकार दोनों ही फिसल गई। ठाकरे इस बगावत से अभी तक उभर नहीं पाए हैं, लेकिन अब वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। ठाकरे ने बीजेपी को गैस से भरा गुब्बारा करार देते हुए कहा कि वह जरा ज्यादा ही फूल गया है। सत्ता मत्ता और लोकप्रियता के कारण लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन लोगों के मन में लंबे समय तक राज नहीं किया जा सकता। मोदी शाह ने जीत का ढोल बजाने के लिए, मतदाताओं पर दबाव डालने के लिए बड़ी संख्या में किराए के लोगों को तैयार किया है। ये किराए के लोग उन पर पहला हमला करेंगे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस में दिखाई दे रहा है। पुतिन की तरह मोदी शाह भी तानाशाही सर्वसत्तावाद लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए तमाम राष्ट्रीय तंत्र को कब्जे में लेना है। ठाकरे ने कहा कि पुतिन की तानाशाह के शासन को उलटकर रूस में तख्ता पलट करने के लिए पुतिन की ये निजी सेना ही सड़क पर उतर आई। मास्को पर कब्जा जमाने के लिए ये सेना आगे बढ़ रही थी। पुतिन ने यूक्रेन के साथ जो किया, जीत का मद तब पुतिन पर चढ़ा था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी कुर्सी ही संकट में फंस गई है। ठाकरे ने कहा कि पुतिन देश में गड़बड़ी करके चुनाव जीतते रहे हैं और उन्होंने संसद पर कब्जा किया है, और कुछ ऐसा ही बीजेपी की सत्ता में हो रहा है। कई बिकाऊ लोगों को अपने आसपास खड़ा कर लिया गया है, ये लोग ही मोदी शाह के पतन का कारण बनेंगे। यानी साफ है, पुतिन हो या मोदी, उन्हें बगावत का सामना करना ही पड़ता है। ठाकरे ने कहा कि हाल ही में मोदी बाइडेन से मिलने के लिए अमेरिका गए थे, बेहद गलत अंग्रेजी भाषण देकर उन्होंने खुद का उपहास बनाया। यह अठास सिर्फ कम क्षमता वाला व्यक्ति ही कर सकता है। व्हाइट हाउस की पत्रकार परिषद में देश के लोकतंत्र संविधान अल्पसंख्यकों पर सवाल से पीएम मोदी के पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गए, यह साफ नजर आया। इसलिए वॉशिंगटन का उनका फोटो सेशन फीका रहा। उस पर पटना में मोदी की सत्ता को चुनौती देने वाला लोकतंत्र का रक्षक वैनगर ग्रुप एक साथ आया। यह ग्रुप किराए का नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि पुतिन की तरह मोदी को भी जाना होगा, लेकिन लोकतंत्र मार्ग से। पटना में वैनगर ग्रुप ने ही यही संकेत दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि बैठक को लेकर हमें शाह से जैसी उम्मीद है, उनकी ओर से वैसी ही प्रतिक्रिया आई। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के लोग फोटो के लिए एकत्रित हुए और कितने भी विपक्षी एक साथ आ जाएं, लेकिन बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेगी। ठाकरे ने कहा कि शाह के बयान से उनकी चिंता ही दिखाई दे रही है। अभी कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दावा करते थे कि अब की बार बीजेपी 400 से ज्यादा सीट जीतेगी, और विपक्ष की पटना की बैठक के बाद शाह का बयान आया कि बीजेपी 300 सीट जीतेगी। अभी तो हम लोग सिर्फ एक साथ बैठे हैं और इसी में बीजेपी की 100 सीट कम हो गई। जब एक साथ लड़ेंगे तो बीजेपी साफ ही हो जाएगी, ये बात बीजेपी नेताओं को भी समझ में आने लगी है और उसकी चिंता उनके बयानों में झलकने भी लगी है। वैसे भी बीजेपी को हराने को उसके किराए के लोग ही हराने के लिए काफी हैं, और 2024 में बीजेपी ईवीएम में कितनी भी गड़बड़ी कर ले, लेकिन इस बार उसकी हार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, दनौदर्पण न्यूज़।